क्वांटम नंबर क्या है भाई आपका? सेट है चार नंबर्स जो क्या करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजिशन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो सकती है, कौन से ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल की शेप क्या है और उसका ओरिएंटेशन क्या है। देखिए, क्वांटम नंबर में बी डिफाइन एज अ सेट ऑफ फोर नंबर्स। क्या है भाई, एक सेट है कितने नंबर का, चार नंबर्स का। सेट ऑफ फोर नंबर्स विद विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे उनकी लोकेशन, उनकी एनर्जी, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल। ठीक है भाई, यहां तक? यस सर। हाँ भाई, क्लियर सबको? यस सर। चलिए, तो पहला फर्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसको नोट करते हैं किससे भाई, एन से नोट करते हैं। तो एन क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो लिखा हुआ है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। जो आपका ऑर्बिटल है उसका साइज क्या होगा और उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी, वो हमें किससे पता चलता है, एन से पता चलता है। ठीक है भाई? यस सर। एन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, कि फर्स्ट ऑर्बिटल में, सेकंड में, थर्ड में। अगर एन की वैल्यू वन है तो कहां है, फर्स्ट ऑर्बिटल में, टू है तो कहां है, सेकंड ऑर्बिटल में, तीन है तो कहां है, थर्ड ऑर्बिटल। ठीक है? यस सर। तो कह रहा है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई द सेल। क्या करता है वो, शेल को आइडेंटिफाई करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड। कह रहा है With the increase in the value of n, just as n की वैल्यू बढ़ती है, the number of allowed orbital increases. तो उसी हिसाब से आपके ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर n बढ़ेगा तो आपके ऑर्बिटल बढ़ेंगे and are given by n square. और हर सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो इक्वल टू होगा n square. जैसे बोलू, अगर n की वैल्यू वन है, n की वैल्यू वन है, तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेल की, तो n की वैल्यू 1, तो n स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है भाई? यस सर। n की वैल्यू 3, तो n स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो थर्ड और थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं मैं दिखाऊंगा कैसे होते हैं। अभी इसी तरह रखिए, फर्स्ट में एक ऑर्बिटल है और थर्ड में कितने आपके पास, 9 ऑर्बिटल। सॉरी, ठीक है बेटा? यस सर। कह रहा है साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कह रहा है साइज बढ़ता है जैसे जैसे आपका एन की वैल्यू बढ़ती है। बढ़ती है। जो साइज होगा सेकंड का और जो साइज होगा फोर्थ वाले ऑर्बिटल का, क्या वो सेम होगा? साइज नहीं, नहीं, साइज क्या है, जैसे आपकी सेल बढ़ेगा साइज भी बढ़ेगा। ठीक है भाई? पहला, आपका जो ऑर्बिटल है उसका साइज क्या है, उसकी एनर्जी को क्या है, वो कौन बताता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है? और एक सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो भी कौन बताता है आपका, वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है? अब जो आपकी सेल्स होती हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं सब सेल्स, वो कौन बताता है आपका, वो बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। और इसको नोट करते हैं एलसी, एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको नोट करते हैं किससे भाई, हम एलसी। किससे करते हैं? एलसी। एल से। अब ये बताता है कि आपके पास जो ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होगी, थ्री डायमेंशन। तो कह रहा है इट डिफाइन द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल।
जो ऑर्बिटल आपके पास उसकी थ्री डायमेंशनल में शेप कैसे होगी। ठीक है भाई, बोलिए। यस सर। और कह रहे हैं एल की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है जीरो से लेके एन माइनस वन तक। अच्छा, तो कह रहा है फॉर एन सेल एनएच सेल, कह रहा है कोई आपके पास एनएच सेल है तो एनएच सेल के लिए जो टोटल एल की वैल्यू होगी वो इक्वल टू एन के बराबर ही होगा। कैसे बोलूं, एन की वैल्यू थ्री थी मान लिया, थर्ड सेल की मैं बात कर रहा हूं, तो एल की वैल्यू बोली कहां से खाता होगी भाई, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, टू कहां तक होगी, जीरो से लेके थ्री माइनस वन मतलब जीरो से लेके टू, तो क्या होगी जीरो वन टू। जीरो भी क्या है आपकी एक डिजिट है कि नहीं है, है डिजिट है, तो ये भी क्या एक नंबर है। टोटल कितनी वैल्यू आपके पास, एक दो तीन, तीन तो कितनी वैल्यू है एल की, तीन वैल्यू है एल की। जब एन की एन नंबर कितना था आपका, जब हमारा एन था थ्री, जब एन थ्री था तो एल की वैल्यू कितनी आई, जीरो वन टू थ्री। टोटल कितनी वैल्यू है आपके पास, तीन वैल्यू है, एक जीरो दूसरी वन तीसरी थ्री टू। ठीक है भाई, यस। तो जो आपका एल है वो बताता है एक वैल्यू दो कि जो आपका ऑर्बिट होगा उसकी शेप क्या होगी, और एल इज ऑल्सो नोन एज कि आपके पास जो सेल है उसके अंदर कितनी सब सेल्स है। ठीक है, यस सर। जैसे देखो एन की वैल्यू जीरो तो एल की वैल्यू क्या होगा, एन की वैल्यू वन तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी नहीं आएगी, जीरो आएगी। एन की वैल्यू टू तो एल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो वन। एन की वैल्यू थ्री एल क्या आएगा, जीरो वन टू, जीरो वन टू, यस। तो एन की वैल्यू फोर तो एल क्या आएगा, जीरो वन टू थ्री आएगा कि नहीं आएगा। हाँ हाँ जी, पर ठीक है बेटा। यस सर। हाँ जी अश्मित। यस सर। देखो जरा कह रहे ईच सेल, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब सेल, हर सेल में क्या होगी एक या एक से ज्यादा सब सेल्स होगी। ठीक है, यस सर, देखो भी बोल सकते हैं उसके। दिस सब सेल इन अ प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन, जो एन की वैल्यू होगी उसके अंदर उतनी ही सब सेल्स होंगी। जैसे मैंने बताया था कि एन की वैल्यू चार थी तो एल की वैल्यू क्या क्या आई थी, तीन आई थी, जीरो वन टू थ्री। कितनी वैल्यूज आई टोटल, चार। तो जो आपका सेल नंबर है उतने ही क्या होंगे उस सेल के अंदर सब सेल्स होंगे। तो कह रहा है ईच सब सेल इज असाइन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, और उनके अपने नाम दे दिए गए हैं कि एल की वैल्यू जीरो होगी तो कुछ अपना नाम है, वन होगी तो कुछ और नाम है। तो दिखा रखा है सबशेल कोरेस्पोंड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल आर रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सिंबल। अरे एल की वैल्यू अगर जीरो होती है तो उसको बोलते हैं हम एस सबशेल, क्या बोलते हैं भाई, एस सबशेल, एस सबशेल। अगर एल की वैल्यू वन होगी तो उसे बोलेंगे हम पी सबशेल, एन की वैल्यू टू होगी एल की वैल्यू डी सबशेल, एल की वैल्यू थ्री होगी तो क्या बोलेंगे एफ सबशेल। तो अभी तक सिर्फ इतनी सबशेल्स आई हैं, लेकिन वो पूछ सकता है कि अगर मान लो एक नई सबशेल भी आती है जी सबशेल तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फोर। जी सब अगर आगे जाके कोई जी सबशेल भी आती है आपके उसमें तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, सर फोर। तो है एल की वैल्यू फोर होगी, तो एच के लिए कितनी हो जाएगी, फाइव। फाइव ये पूछ सकता है आपसे एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, अभी आप उसे इतना रखना भी एल की वैल्यू जीरो वन टू थ्री, तो उन सबसे के नाम रख दिए गए। जीरो के लिए बोला है एस सबशेल, वन को बोला है पी सबशेल, टू को बोला है डी सबशेल, और थ्री को बोला है एफ सबशेल। तो ये सर याद करना पड़ेगा, आज ही याद करना पड़ेगा सर, ये तो याद हो गया, हो गया यस सर, एस पी डी एफ। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा आपसे
एन की वैल्यू टू, एल की वैल्यू जीरो, तो पूछे बताओ द नेम ऑफ द सबसेल. क्या सर नेम ऑफ द सबसेल? हाँ जी, एल की वैल्यू जीरो क्या नाम है? एस. एस. और हम कौन से एस की बात कर रहे हैं? सेकंड सेल के एस की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ. यस सर. तो उसको बोलेंगे हम टू एस. अच्छा ओके सर. क्या बोलेंगे? थोड़ा कंफ्यूजिंग. जैसे मैं बोलूं एन की वैल्यू फोर, एल की वैल्यू टू, तो क्या बोलेंगे इसको? फोर पी, फोर डी. फोर डी. यस सर. इसको सेम लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, और इसका सिंबल लिख देंगे एल का सिंबल. जैसे मैं पूछूं आपसे क्या नाम है पर, एन की वैल्यू थ्री, एल की वैल्यू वन, तो क्या होगा पर इसका सिंबल? सर मैं बताऊं? पर से पूछा. शेल होगा. हाँ क्या होगा पर? क्या होगा कंफ्यूज जो पी और डी एफ में? मैं तो देखना तो एल के लिए क्या है जब पी होगा याद है ना? थ्री पी. क्या होगा? पी बोला सर मैंने. थ्री पी था मैं सोच के. दोबारा बता. अब क्या होगा सर? टू फाइव डी. फाइव डी. अश्मित. यस सर. क्या होगा सर? एस वन. वन एस. वन एस. एस वन नहीं, वन एस. हाँ सर वन एस. क्लियर यहाँ तक? यस सर. तो देखिए इधर कह रहा है एन की वैल्यू अगर वन होगी तो एल की वैल्यू क्या होती है भाई? जीरो से लेके एन माइनस वन तक होती है कि नहीं होती है? हाँ यस सर. तो एन की वैल्यू वन तो एल की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी. यस सर. एन की वैल्यू टू तो एल क्या क्या हो सकता है? जीरो और वन. वन. एन की वैल्यू थ्री तो एल क्या हो सकता है? जीरो. एन की वैल्यू फोर तो क्या हो सकता है? तो जो फर्स्ट सेल होती है उसमें से एक ही सेल है, चाहे तो सेल बोलो चाहे सब सेल बोल लो, कौन सी है वो? एस. एस. कौन सी है? एस. एस. तो इसको क्या बोलेंगे हम? वन एस बोलेंगे, है ना? यस सर. अब ये बताओ सेकंड सेल में क्या आपके पास दो सब सेल है, कौन कौन सी? एस एंड पी. तो कौन कौन सी हो गई? टू एस एंड टू पी. टू पी. टू पी. थर्ड में क्या आपके पास एस बी है, पी बी है और डी बी है? थ्री एस थ्री बी थ्री डी. एंड फोर्थ में क्या आपके पास? चार है. 4s, 4b, 4d, 4d, 4f. समझ में आया नहीं आया? यस सर. तो पूछ सकता है आपसे कि जो g आएगा, जो g आएगा वो कौन से शेल में जाके आएगा? g आएगा वो कौन से शेल में जाके आएगा? 5. 5 में. क्योंकि जब n इक्वल टू 5 होगा तब एल की वैल्यू क्या आएगी? जीरो वन टू थ्री फोर. ये होता है एस के लिए, ये होता है जी के, होता है पी के लिए, डी के लिए, डी के लिए, फिर जी. जी. बस समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. मेरे क्वेश्चन की एनसीईआरटी में है कि मानो अगर कभी जी से सबसे एग्जिट करेगी लाइफ में वो कौन से सेल में जाके आएगी? कौन से में आएगी? फिफ्थ में आएगी. तो फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे वन, तो हाँ वन एस हो जाएगा. हमने वो पूछ सकता है कि एस कौन से सेल से स्टार्ट हुआ था? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट से स्टार्ट हो गया था. फर्स्ट से स्टार्ट हुआ था. पी कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेकंड से. डी कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इसको नोट करते हैं एम से या एम एल से.
एम से कर सकते हैं या एम एल से कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है माइनस एल से लेके प्लस एल तक होती है, ठीक है भाई। और ये बताता है कि आपका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, मतलब एक्स वाई डायरेक्शन मिल रहा है या एक्स में मिल रहा है या जेड मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कि कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको इलेक्ट्रॉन। तो यही करें, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू आपकी एक्सिस। तो लिखा हुआ है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सिस। मतलब मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होते हैं आपकी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन हो जाती है। जैसे एक्स एक्सिस मिल रहा है, वाई पे मिल रहा है, या एक्स वाई वी के बीच में मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, ठीक है। डाउट यहाँ तक? Yes, sir. और स्केल कहाँ से ज्यादा होती है? माइनस एल से प्लस एल तक। मैं बोलूं अगर मैं पूछूं आपके पास एस सबशेल थी, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? वन। एल की वैल्यू जीरो। जीरो कितनी होती है? जीरो। जीरो। तो जो एम एल की वैल्यू वो कहाँ से ज्यादा कर रही है? माइनस एल से प्लस एल तक लाइक कर रही है ना। तो कितनी वैल्यू होगी इसकी? माइनस एल से प्लस एल के भी कितनी वैल्यू? इसकी वैल्यू जीरो आएगी नहीं आएगी? जीरो भी क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू है कि नहीं है? तो एस सबशेल में जो मैग्नेटिक आपका क्वांटम नंबर है बताता है कि आपके पास कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं एक सबशेल के अंदर। तो एस में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं भाई? सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हो सकते हैं। हो सकते हैं एक ही ऑर्बिटल। अब मैं पूछूं और पी सबशेल एल की वैल्यू कितनी थी? वन थी। एम की वैल्यू क्या होगी? एम एल की वैल्यू माइनस वन, जीरो, प्लस वन होगी कि नहीं होगी? होगी सर। टोटल कितनी वैल्यू आ गई? थ्री। थ्री वैल्यू आ गई। तो पी के पास तीन ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं? थ्री ऑर्बिटल। तो D के लिए L की कितनी होती है भाई? D कौन सा? अच्छा तो सर माइनस थ्री, माइनस जीरो प्लस थ्री। D के लिए L की कितनी होती है? कार बोल के तुम वो आपने टू का बताया था। मैंने क्या कहा उससे कि जो यहाँ पे थे हम डी पे सर वो मैग्नेटिक। हाँ तो कह रहे हैं फॉर एनी सबशेल देयर आर टू एल प्लस वन वैल्यू ऑफ एम एल। जितनी भी सबशेल है आपके पास जो एल का नंबर होगा उतनी ही क्या होंगी आपके पास टू इंटू एल प्लस वन वैल्यू होंगी एम एल की। आपने बताया अभी D के लिए L कितना होता है भाई? 2 बताया आप लोगों ने भी? हाँ yes, sir. L के लिए क्या क्या है आपकी? माइनस टू जीरो वन टू जीरो प्लस वन प्लस टू। टोटल कितनी वैल्यू आई? पांच वैल्यू आई है ना। yes, यहाँ पुट करो L के लिए 2 पुट करो कितना आएगा? 2 इंटू टू प्लस वन कितनी आई? पांच आई कि नहीं आई? हाँ ठीक है बोलो है ना। yes, yes, sir. Next देखिए इसके बाद तो इसमें समझा दिया आपको, बताया भी है कि जो मेरे पास s सबशेल होती है उसके लिए l के लिए कितनी होती है? जीरो होती है। तो m के लिए कितनी होगी भाई? वो भी जीरो होगी। मतलब कितने ऑर्बिटल आपके पास? एक ऑर्बिटल है इसमें s सबशेल में। P में L के लिए कितनी है आपके पास? वन। तो M L के लिए क्या क्या होगी? माइनस वन, जीरो, प्लस तीन होगी। कितने ऑर्बिटल हो गए? तीन ऑर्बिटल हो गए। D के लिए कितने ऑर्बिटल हो गए भाई? D में कितने हो गए? पांच। F में कितने हो गए? सेवन। तो मैं पूछूं अगर मान लो G सबसे होती है आपके पास कोई फोर इंटू कितने ऑर्बिटल होते हैं? नाइन नाइन नाइन।
नाइन ऑर्बिटल होते हैं, कहां से कहां तक? माइनस फोर से लेके प्लस फोर तक. बस समझ में आ गई? तो इतना ध्यान रखेंगे आप. अभी हमने क्या पढ़ लिया? एक पढ़ लिया एन क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. यस सर. एल क्या होता है, हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है. एमएल क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है. लास्ट पूछा कौन सा आपका, स्पिन क्वांटम नंबर. तो इसने बताया, लास्ट आज का टॉपिक बस छोड़ दूंगा, स्पिन क्वांटम ने बताया कि आपके पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. एक ऑर्बिटल में पढ़ा था ना पीछे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ दो होते हैं, और दोनों का स्पिन क्या होता है, अपोजिट होता है. क्या होता है? अपोजिट होता है. देखो क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. कह रहे एक स्पिन, जैसे मैं बताऊं, जैसे समझो, जैसे आपका जो अर्थ है वो क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है कि नहीं करती है? करती है सर. और वो अपनी एक्सेलरेशन क्या करती है, रिवॉल्व करती है नहीं करती है? करती है. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी करता है, अपनी एक्स में रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से क्या आता है, उसका एंगुलर मोमेंटम आता है. तो लिखा हुआ है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्या है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी? तो बताया वेक्टर होती है ना, पढ़ा ना वेक्टर स्केलर पढ़ा है ना, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन. कैन हैव टू ओरिएंटेशन. क्या होती है इसकी, दो ओरिएंटेशन होती है, आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर. उसने बताया ms स्केल दो होती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ. तो ms विल कैन टेक the value of plus half and minus half, these are called the two spin state of the electrons and are normally represented by two arrows, up spin ya down spin. मतलब ये कह रहा है, चाहता है कि एक ऑर्बिटल में maximum maximum दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों का स्पिन क्या होता है, अपोजिट होता है. अगर मैं एक को बोल रहा हूँ प्लस हाफ, दूसरे को क्या बोलूंगा, माइनस हाफ. क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों कैंसल आउट कर देंगे. एमएस की दो वैल्यू होती क्या होती है, या तो क्योंकि प्लस हाफ या क्या होगी, माइनस हाफ. समझ में आ गया? हमने आज पढ़े चार क्वांटम पढ़े, इनको दोबारा पढ़ना नेक्स्ट में. मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा एक बार, ठीक है? ओके सर. मैं पूछूंगा आपसे पहले क्या क्या होते हैं क्वांटम नंबर, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास. सर आप इनके वन और शेयर कर देना ग्रुप पे, ठीक है? तो दिया सर.